हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन पहली बारी में तो नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझाऊंगा। आपको इस वीडियो को एक बार समझना है, अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो वीडियो को दोबारा देखिए। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आता आप इसको देखते रहिए, भले ही आपको दो या तीन बार देखना पड़े, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए लिखा हुआ है द राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर। एक ऐसा करते हैं, एक राउंड बैलून बनाते हैं जिसकी रेडियस कितनी है आर। ठीक है, मैं एक बैलून ड्रॉ कर रहा हूँ, राउंड बैलून बोला है तो मैंने ऐसा ही ड्रॉ किया। इसकी रेडियस बोल रहे हैं ये आर, तो मैं इसको रेडियस को डिनोट कर देता हूँ, ये हो गई रेडियस आर। ठीक है, ये मैंने रेडियस आर बना ली। रेडियस इधर भी हो सकती है और रेडियस इधर भी हो सकती है, रेडियस तो कहीं को भी हो सकती है, रेडियस आर होती है। ठीक है ना, अब मैं बताऊंगा मैंने दो तरफ रेडियस क्यों मानी है। आगे बढ़ते हैं। सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। क्या मतलब है, कोई इसको देख रहा होगा बैलून को, मान लीजिए यहाँ से कोई देख रहा है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर यहाँ पर है और वो बैलून को देख रहा है, तो बैलून उसको पूरा दिखाई दे रहा है एक साथ। क्या बोला इन्होंने, यहाँ पर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ इतना बोला गया है कि जो आई ऑफ द ऑब्जर्वर है वहाँ से वो बैलून को देख रहा है, और वहाँ से उसने बलून को देख लिया तो जो बलून को देखा, देखो दोनों एंड्स की तरफ मैंने लाइन खींची है, मतलब बलून दिखाई देगा उसको पूरा। आप खुद सोचिए, अगर आप यहाँ से बलून को देख रहे हैं तो आपको पूरा बलून दिखाई देगा ऐसे, तो मैंने यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर ली। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है कितना, अल्फा। कितना दिया हुआ है, अल्फा। तो यहाँ पर लिखा है एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, हमने बना दिया यहाँ पर है आई ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब जो देख रहा है उसकी आँख यहाँ पर है, यहाँ से अल्फा एंगल बोला था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। While angle of elevation of its center, क्या बोल रहे हैं, इसके center, center कहाँ पर है, यहाँ पर है, O point center मान लेते हैं। इसके center का जो angle of elevation है कहाँ से, जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से, यहाँ से angle of elevation है center का, मतलब center को join करने वाली एक line बना देते हैं, जो center को join करेगी एक line बना देता हूँ यहाँ से, ये हमने line draw कर दी जो center को join कर रही है। ठीक है, ये बोला इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। हमेशा ध्यान रखना, एलिवेशन एंगल जब बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खींचनी पड़ती है खुद से, ये हमने खींच ली एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये हो गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इन्होंने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो वो कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखो, ये हमने अब बनाना है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो सेंटर का बोला था इन्होंने, सेंटर का, सेंटर पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाल लिया नीचे, यहाँ पर ये देखो ये एंगल है बीटा दिया हुआ है इन्होंने। क्लियर हो गया यहाँ तक। प्रूव द हाइट ऑफ द सेंटर, ये जो सेंटर है इसकी जो हाइट है, ये हाइट ये पूछ रहे हैं, ये हाइट ये बतानी है आपको, r साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2। क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने बोला कि जो आप बैलून को देख रहे हैं आई ऑफ द ऑब्जर्वर पर एंगल बन रहा है अल्फा, ये एंगल हो गया अल्फा, क्लियर है। फिर इन्होंने ये बोला कि सेंटर पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ज्वाइन कर ली यहाँ पर एलिवेशन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन खींच ली, तो स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से जो सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है ये एंगल बनाएगी बीटा। क्लियर हो गया, ये हो गया बीटा, इधर ये वाला एंगल है अल्फा। अब आपको प्रूफ करना है इस हाइट को, जो भी वो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, इसको मान लेते हैं OM, OM जो हाइट है वो आपको प्रूफ करना है r sin बीटा cosec अल्फा बाय 2। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया होगा आपने, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये एंगल अगर अल्फा है और मैं इसको हाफ कर रहा हूँ एक तरीके से, मैंने सेंटर पर लाइन ज्वाइन करी है, यहाँ से सेंटर पर लाइन ज्वाइन करूँगा तो देखिए इतना इधर भी रेडियस है इधर भी रेडियस है, ठीक है, दोनों तरफ रेडियस है और इक्वल इक्वल होगा, तो सेंटर से सर्कल ऊपर आधा है नीचे भी आधा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो लाइन ज्वाइन करोगे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बताइए खुद बताइए, अल्फा का आधा नहीं हो जाएगा क्या, ये भी अल्फा बाय 2 और ये भी अल्फा बाय 2। इस बात को और अच्छे से समझना है तो आप ओ ए बी ट्राइंगल को ओ सी ए, ऊपर वाला ट्राइंगल है जो ओ बी ए और नीचे वाला है ओ सी ए, इनको कॉन्ग्रेंट कर लीजिए सी पी सी टी से, ये अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होने का मतलब क्या है, दोनों ही हाफ हाफ हो जाएंगे। अगर पूरा एंगल अल्फा था तो अल्फा बाय 2 ऊपर और अल्फा बाय 2 नीचे,
ये सीपीसीटी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, अगर आप सेंटर पर लाइन ज्वाइन करेंगे तो एंगल आधे आधे हो जाएंगे, अल्फा का आधा हो जाएगा अल्फा बाय टू इधर और अल्फा बाय टू इधर। मैंने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, अब देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए ओ सी। अब मुझे कैसे पता कि ट्राइंगल यही वाला लेना है, सारी बात आपको इस वीडियो में बताई जाएगी कैसे पता लगता है कि ट्राइंगल कौन सा लेना है। फिलहाल मैं देखता हूँ कि जो मैंने ट्राइंगल लिया है उसमें हम करेंगे क्या। मैंने लिया ट्राइंगल ए ओ सी, आप देख सकते हैं इसमें एंगल जो अल्फा बाय टू है सामने लिखा हुआ है आपके अल्फा बाय टू। अब देखना है आपको, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अभी आपने चैप्टर नंबर 10 जो आपका है आपके बुक में सर्कल्स, उसमें एक थ्योरम होती है, वो बाद में हम पढ़ लेंगे, अभी हमने वो चैप्टर नहीं किया है, वो बाद में हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है सर्कल पर, सर्कल पर रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो एंगल है सी पर, ये जो एंगल है ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ओ सी परपेंडिकुलर ए सी। ये थ्योरम है आपकी चैप्टर नंबर 10 में, वो आप बाद में पढ़ लेना, बस अभी आप इतना जान लो कि ओ सी और ए सी परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस ट्राइंगल में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 90 के सामने क्या होता है, आप खुद बताइए, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो अगर हम इन दोनों में फॉर्मूला सोचें तो साइन बैठता है, साइन अल्फा बाय टू, ये अल्फा बाय टू है एंगल, साइन अल्फा बाय टू क्या होगा, साइन अल्फा बाय टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की जगह आएगा आर और हाइपोटेनस की जगह आएगा ओ ए। ठीक है ना, यहाँ तक तो ओ ए की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ आर अपॉन में साइन अल्फा बाय टू, ये आ गया डिवाइड में, ओ ए चला गया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब बात ये थी कि मैंने ट्राइंगल ए ओ सी क्यों लिया था, मैंने ट्राइंगल ए ओ सी ये इसीलिए लिया था ताकि मैं यहाँ से ओ ए की वैल्यू निकाल सकूँ, ओ ए की वैल्यू निकाल सकूँ। क्यों, क्योंकि ओ ए जो है वो इस ट्राइंगल में भी आएगा, ओ एम ए जो ट्राइंगल है इसमें भी ओ ए आएगा। अब मेरे को ये वाला ट्राइंगल क्यों लेना है, क्योंकि हमसे पूछा क्या था इन्होंने, हाइट ऑफ द सेंटर, सेंटर जो है उसकी हाइट कितनी है वो पूछा गया था मेरे से, मतलब मुझे ये ओ एम बताना था, ओ एम, ओ एम बताने के लिए मैंने ये ट्राइंगल सोच लिया, ओ एम ए सोच लिया ट्राइंगल, इसमें ओ ए आएगा, इसलिए ओ ए आएगा, तो मैंने ओ ए कहीं और से ले आया, मैं ओ ए किसी और ट्राइंगल से निकाल लाया। अब हम ले लेंगे दूसरा ट्राइंगल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओ एम ए, ओ एम ए ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पर लगेगा, आप बताइए क्या लगेगा, बीटा एंगल है इसमें तो यहां पर लगेगा साइन बीटा। साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि साइन लगाने से परपेंडिकुलर ओ एम अपॉन हाइपोटेनस ओ ए, यहां पर 90 है ना तो हाइपोटेनस सामने आएगा। चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा, मैं एक बात देख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में मुझे कॉसेक अल्फा बाय टू प्रूफ करना है, क्वेश्चन में भी देखना है साथ साथ मुझे प्रूफ करना है कॉसेक अल्फा बाय टू, तो देखिए साइन अल्फा बाय टू का रेसिप्रोकल, जब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं आर कॉसेक अल्फा बाय टू, इसको मैंने ऊपर लिख लिया, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन अल्फा बाय टू को जब ऊपर लिखोगे तो कॉसेक अल्फा बाय टू बन जाएगा, इसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ओ ए को इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, ओ ए इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू ओ एम, तो यहाँ पर ओ ए की जो वैल्यू आई है ये रही, ये आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ओ ए की वैल्यू रख दी आर कॉसेक अल्फा बाय टू इंटू साइन बीटा, ये आ गया ओ एम की वैल्यू। तो ये ओ एम है क्या, बेसिकली ओ एम इज द हाइट ऑफ द सेंटर जो हमें फाइंड करना था, तो सेंटर ऑफ द बैलून जो था वो कितनी हाइट पर है, आर कॉसेक अल्फा बाय टू साइन बीटा, ये देख लीजिए आपको यही लाना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको बैक करके फिर से दोबारा समझिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, दिखने में तो काफ़ी टफ लग रहा है लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।